देखा कितना प्यारा है। चलो ये मुनमुन को पहनाते हैं। आओ मुनमुन, ये खा लो। खा लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा अब जाओ खेलो, हमें तो स्कूल जाना है। डरो और मिच्छू, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम तो मुनमुन को तंग मत किया करो। मिच्छू, तुम और मुनमुन मिलकर इन कौवों का मुकाबला करो। चलो राजू, हम स्कूल चलें। चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है। अच्छा भाई मुनमुन, चलो तुम भी साथ चलो। होशियार लड़कियाँ आ रही हैं। जल्दी करो, हम छुप कर इन्हें तंग करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, छुप जाओ। हिना, ओ हिना, तुमसे खूबसूरत और कोई नहीं है। क्या हाल है? हमें जाने दो। क्यों, क्या हुआ, हमसे बात क्यों नहीं करती? खुदा के लिए हमारे पीछे छोड़ दो, ताकि ये मैं आपकी जगह छोड़ दूँ। अरे ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा बस्ता। खुदा कर ले लो। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ो। लो पकड़ो। ओ नहीं, अरे ये क्या कर रहे हो, लाओ मेरा बस्ता मुझे वापस दे दो। लड़का है राजू, पकड़ो। नहीं पकड़ना, लाओ राजू मुझे दे दो। राजू खबरदार जो ऐसा किया। शाबाश राजू। हाँ मिट्टू, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो खुद इन लड़कों से डरती हूँ। लाओ लाओ मुझे दो। ये लो। इसे छोड़ो बेवकूफ तोते। मिट्टू जल्दी से डल ले आओ। ए लड़की, ये बस्ता मुझे दो। जाओ यहाँ से, हमारा पीछा छोड़ दो। देख लूंगा तुम्हें मैं, छोड़ूंगा नहीं। बस ये लो हिना, ये मुझे तंग क्यों करते हैं। बेवकूफ तोते, मेरे साथ पंगा लिया था। मिट्टू, 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 शैतान लड़का ले गया होगा। और ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं हो
वो लड़का इतना शैतान क्यों है? वो और उसके दोस्त रोजाना मुझे तंग करते हैं, मेरा तो दिल ही नहीं करता स्कूल जाने को। लेकिन तुम्हें तो स्कूल जरूर जाना चाहिए। वो मुझे बहुत तंग करते हैं, बेहतर है मैं घर पर रहूं। स्कूल मत छोड़ना है ना, बाद में पछताओगी। काश मैं भी स्कूल गई होती। लेकिन खाला मैं क्या करूं? ये तो इस मसले का हल नहीं है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। वो शैतान लड़का हमें तक तंग नहीं कर सकेगा अगर हम सब मिलकर उसका मुकाबला करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम लोग ये करके देखो। मुन, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश मिठू। तुम ठीक कहती हो मीना, हमें मिलकर उस शैतान लड़के का मुकाबला करना चाहिए, वो दूसरे लड़कों को भी खराब कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, चलो अब हमारी मदद कर देना। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें बाकी सब दोस्तों से भी बात करनी चाहिए। चलो अब मिलकर ये सोचें कि उनका कैसे मुकाबला करना है। एक बाल्टी में तरबूज का पानी भर देंगे, जैसे वो आएगा ना तो उसके ऊपर लट देंगे, किसी तरह उसको सही बुलाना। अच्छा बड़ा मजा आएगा। ना वो तरबूज मुझे दो। हाँ भाई अहमद, अब क्या हाल है? हाँ हाँ ठीक हूँ। अहमद ने वादा किया है कि वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ पक्का वादा, अब मैं कभी तुम लोगों को तंग नहीं करूँगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक, चलो आज सब स्कूल चले। आ राजू तो भी
किया, कैसे मुरझा गए हैं, मर रहे हैं। जल्दी करो, पानी निकालते हैं। हाँ ये ठीक है। ओह, बड़ी बुआ आ रही है। वो सुन लेंगी तो। नमस्ते बुआ, कैसी हो? क्यों मीना, तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? हम इन पौधों को पानी दे रहे थे। पानी के बिना तो ये मर जाएंगे ना बुआ। ठीक ही कर हंस रही थी, चल मेरे साथ घर चल। चलती हूँ। बड़े दिनों से यहाँ आना चाह रही थी मैं। बहुत खुशी हुई, आखिर आप आए तो। देखिए रानी भी पूरे 8 महीने की हो गई। ओह, तो तुम्हारी दूसरी लड़की हो गई। हम तो बहुत खुश है दूसरी लड़की से। बहुत खुश, बहुत खुश। अले ले, ये तो मुझ पर गई है। हाँ मुझे भी लगता है ही मुझ जैसी। कितनी प्यारी बच्ची है। ओहो मेरी रानी बिटिया। ना ना रोना नहीं। नीना मुझे बाहर खेलती मिली, बहुत बिगड़ गई। अब बड़ी हो रही है, सारा दिन घूमते रहना ठीक नहीं। स्कूल के बच्चों के साथ खेल रही होगी। क्या मीना अब स्कूल जाने लगी है? क्यों नहीं, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नहीं उसे घर पर रहना चाहिए और घर का काम काज सीखना चाहिए। वो सब भी सीख रही है। मीना स्कूल में बहुत से काम की बातें सीखती है और हमें भी सिखाती है। ऐसे तो तुम इसको बिगाड़ दो, जरा ज्यादा ही सियानी हो जाएगी। बुआ पढ़ना लिखना तो अच्छा है ना? देखा देखा क्या कहा था मैंने तुमसे। ओ राजू मेरा राजा बेटा, आ मेरे पास बैठ। तेरी बहन स्कूल जाती है, मैं तो सुनकर हैरान रह गई। हाँ मीना और मैं साथ साथ स्कूल जाते हैं। मीना स्कूल जाती है। बहुत कूदता है ये तोता, क्या इसके लिए पिंजरा नहीं है? नहीं, मिट्टू को खुला रहना अच्छा लगता है, ये मीना के पास साफ जगह है। लेकिन तोते को तो पिंजरे में ही रहना चाहिए। और बुआ मिट्टू पिंजरे में नहीं टिकने वाला। देखेंगे। ये पिंजरा कितने का है? 10 रुपए का। ना ना मैं तो 6 रुपए दूंगी। ये मीना के बदमाश तोते के लिए है। तोते के लिए तुम आप 6 रुपए ही दे दो। कहाँ है वो तोता? पकड़ लिया। चल अंदर तोते फौरन। आ जा मिट्ठू मिट्ठू, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अब तो पकड़ लिया तुझे बदमाश तोते। अरे मिट्ठू को देखो, बेचारा मिट्ठू। लगता है रानी को 10 लग गए हैं। अरे ना बाबा ऐसा मत कहो, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। मेरी दूसरी बच्ची बेचारी बस 1 साल की थी, 10 की तो लगी थी उसे भी। हाय मेरी बच्ची। मुझे तो घबराहट सी हो रही है, रानी अचानक कमजोर दिख रही है, खेलती ही नहीं, चिड़चिड़ी भी हो गई है। मीना मैं क्या करूँ, स्वाद सीढ़ी का इतनी दूर रहती है और तुम्हारे बाबा भी पता नहीं कहाँ है। मैं अपनी बहन जी से जाकर पूछती हूँ, उन्हें सब पता रहता है। क्यों फिर से गांव के चक्कर लगाने का इरादा है? जाने दो ना बुआ। जाने दीजिए दीदी, अभी आ जाएगी। जाओ फिर। चलो राजू। अच्छा मिट्ठू। अच्छा सच में क्या लड़की है। राजू मीना ऐसी रात में कहाँ घूम रहे हैं? बहन जी मेरी माँ बड़ी परेशान है, मेरी छोटी बहन बीमार है, सुबह से दस्त लगे हैं और उल्टी भी कर रही है, वो ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम सावधानी बरतोगे तो तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी।
याद रखो, जैसे ही बच्चे को दस्त लगे उसे फौरन पीने के लिए ज्यादा से ज्यादा दो। ऐसा क्यों बहन जी? बताती हूँ, डॉक्टरों का कहना है कि दस्त बहुत खतरनाक बीमारी है। अब इन तस्वीरों को देखो, जब किसी बच्चे को दस्त लगते हैं तो शरीर का पानी बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे पानी बाहर आता जाता है बच्चा कमजोर होता जाता है। उसके शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए उसे लगातार पीने को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। हाँ, अब इधर देखो, बच्चा एकदम ठीक हो गया। क्या ऐसे बस रुक जाएंगे? नहीं, पर जान बच जाएगी। शरीर का पानी अधिक निकल जाए तो बच्चा मर भी सकता है। रानी को पीने के लिए क्या दे? जो भी घर में हो थोड़ा नमक मिलाकर दे दो, जैसे चावल का मार, दाल का पानी, लस्सी, साथ में अगर है तो ORS का घोल भी दे दो। मेरी बहन तो माँ का दूध पीती है। माँ रानी को अपना दूध भी जरूर पिलाती रहे, और इसके अलावा रानी जो खाती पीती है वो सब। अब भागो और माँ से कहो कि रानी को लगातार कुछ ना कुछ पिलाती रहे। पर बाहर तो जोरों से बारिश हो रही है। हाँ, पर हमें देर नहीं करनी है, रानी को ठीक करना है। मिच्छू, बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम हमसे जल्दी पहुँच जाओगे मिच्छू। माँ से जाकर कहो रानी को खूब पीने को दो। हाँ जी, जल्दी करो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। मीना और राजू आते ही होंगे। मीना बताई कि क्या करना है। ओ, ये बारिश, बच्चे कहाँ हैं? रानी बीमार है, इसलिए मीना और राजू बहन जी से सलाह लेने गए हैं। इस तूफान में मैं लाता हूँ। अरे बिट्टू, हाँ मिठू, क्या कहा तुमने? चुप रहे बेवकूफ सोते, ये मीना ने कहलाया होगा। ऐसे कहीं दस्त ठीक होते हैं? हम तो ऐसा नहीं करते। तुम रानी को चावल का मार दो, देखते क्या होता है। मैं बच्चों को लेके आता हूँ। ये लो बिटिया, पी लो, प्यास लगी है ना, पी लो। ओ, पीने को तो। ऐसा भी कहीं देखा है, एक तोते की बात मान ली। हाँ, जो जी में आए करो, आजकल बड़े बूढ़ों की कौन सुनता है। मिठू ने आपको बता दिया क्या करना है? हाँ, रानी को खूब पिला रही है। कितनी प्यासी है, देखो तो मुस्कुरा रही है। जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए, हर दस्त के बाद जितना पी सके पीने को देते रहना है। बहन जी ने कहा है अगर रानी उल्टी भी करती है तो परेशानी की कोई बात नहीं, धीरे धीरे घूट घूट पीने को देते रहे। रानी को अब भी दस्त आ रही है। दस्त की चिंता मत करो, पीने की चीजें देने से रानी अब बहुत ठीक लग रही है। हाँ ये तो है, देखो कैसे मुस्कुरा रही है। ला तो इधर मेरी प्यारी रानी बिटिया को। बुआ, रानी अब ठीक लग रही है ना? हाँ हाँ, वो सब पानी वानी देना ठीक होगा शायद। कैसी है बिटिया? पहले से ठीक है, पर बस अभी भी है। दस्त आमतौर पर 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर दस्त में खून हो, या बच्चे को बुखार हो, या फिर उल्टियाँ आ रही हैं, या वो खा पी ना सके, तो उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। फिर रानी को अच्छे से खाना पीना देते रहना है ताकि वो पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाए। हाँ, इसे कुछ दिनों तक ज्यादा खाने को देना। सच मीना, तुमने अपनी बहन की जान बचाई। हाँ, तुमने की रानी की जान बचाई। सोचो फिर सोचो, घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे, क्या दे हम, वे भी तो सोते सपने सजाते हैं पूरे करीन को जहाँ।